नहीं नहीं भैरव बाबा पे, भैरव बाबा पे। अरे फोकस हो जा। शुरू में तो फिलहाल टिकट की रिटर्न की, और इसमें एक भूल भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर दर्शन करने हैं तो फिर 26 वाली कैंसिल करनी पड़ेगी, मेरे को मिल जाएगा रिफंड अगर वो दिमाग से भी लैप्स हो गया ये सोच के बैठे तो। 27 वाली तो है ही है, और ये दर्शन कल तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है, ये आएगा कल तक भी नहीं आएगा, ये मुश्किल लग रहा है मुश्किल। अगर 400 भी आ गया ना यहाँ पे शाम के टाइम भी, अभी गनीमत है कल शाम के टाइम तक बहुत ज्यादा है वैसे ही। डबल का गैप देखो ना, 456 आया देखो। माता रानी से यही दुआ है कि ये भी जो सर्विस है श्राइन बोर्ड इसको ऑनलाइन कर दे इसकी बुकिंग भी, तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। हाँ इसमें कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके पास ऐसे साधन नहीं है जो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे ये है कि ऑनलाइन करके जो लोग आएंगे उसे रश कम रहेगा, लोग आएंगे और सीधा अपने दर्शन करेंगे और निकल जाएंगे। इनको ये प्लानिंग बनानी चाहिए श्राइन बोर्ड पे। आ गई लाइट, आ गई लाइट, चली गई थी लाइट, आ गई यहाँ पे। तो ये अब हमारी चढ़ाई है, चढ़ाई कहाँ की, भवन की, भवन के लिए हमने ये चढ़ाई शुरू कर दी है और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे। तकरीबन 7 किलोमीटर, 6 से 7 किलोमीटर की ये दूरी है, जो अभी तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं क्योंकि तो ढलान है, ढलान में है शुरू में तो फिलहाल। तो फिलहाल तो आपको शुरू में तकलीफ नहीं दी जाएगी आप, क्योंकि पहले से तकलीफ लेके आ रहे हो अर्धकुंवारी तक आपने जो है बड़ी मेहनत की है, तो थोड़ा सा इंजॉय आप इंजॉय करोगे उसके बाद थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा है नहीं वहाँ पे। अच्छा चढ़ाई आप ये देखो, ये है आपकी जो शुरुआत हुई है, ये ऐसे पहले नीचे तक जाता है फिर ऊपर से चढ़ाई चालू। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो क्या नाम मेरी बाई तरफ, ये रास्ता पीछे से ये वो लोग हैं जो ताराकोट मार्ग को यूज करते हैं, ताराकोट मार्ग को मार्ग जो लोग अर्धकुंवारी नहीं जाना चाहते हैं, उनकी इच्छा नहीं है या उनकी जो मर्जी है, तो या वो पहले दर्शन कर चुके हैं तो डायरेक्ट वो भवन पे जाते हैं सीधा, और उसके बाद अपना अपनी इच्छा नहीं करते। तो ये वाला रास्ता है, वही वाला इसका नाम है ताराकोट मार्ग। कौन सा वाला? ताराकोट मार्ग, ताराकोट मार्ग, ताराकोट ट्रैक, द न्यू ट्रैक, न्यू ट्रैक बनाए। अब चढ़ाई चालू, इसकी दूरी जो है वो तकरीबन अप्रॉक्स 5.5 किलोमीटर की है, जो पुराने वाले डिस्टेंस है टाइमिंग, इसका नाम पुराना वाला जो है उसका नाम है हाथी मत्था, हाथी मत्था, उसकी जो दूरी है वो 6.5 किलोमीटर के आसपास है, तो तकरीबन 5.5-6.5 किलोमीटर का डिफरेंस इन दोनों के बीच में। और ये आपको ज़्यादा इन्जॉय करोगे इसमें आप, क्योंकि सबसे बड़ी बेनिफिट इसमें यह है कि आपको घोड़े खच्चर बिल्कुल दिखाई नहीं देते, उनको यहाँ पर उनको डिसअलाउ किया गया है ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। है ही नहीं यहाँ पर कहीं पे भी, सिर्फ पैदल चलने वाला है। जो श्रद्धालु सहायता लेते हैं इनकी खच्चर घोड़ों की, तो उसमें फिर वो सांझी छक्के सॉरी हाथी हाथी मत्ते के थ्रू ही जाते हैं, वो अपनी इच्छा से नहीं कह सकते हमें यहाँ से जाना है, वहाँ पे अलाउड है, वो अलाउड है, वहाँ श्राइन बोर्ड ने वहाँ से उसको अलाउड किया हुआ है। ये है चढ़ान, बस ज्यादा ये चढ़ान है, लेकिन ये इंजॉय वाली है क्योंकि अब माता बुला रही है, हाँ जाना पड़ेगा उनका आदेश है, ज्यादा तकलीफ वाली नहीं है, नॉर्मल है। और ये सबसे मेन आधार है जिसके लिए हम अपने घर से जिस नियत से निकले हैं उसका आशीर्वाद लेने के लिए, तो अपनी कृपा को बनाए रखें हमारे ऊपर, आप सबके ऊपर है, हाँ सबके ऊपर। 20-20 में आप ये म्यूजिक सुन रहे होंगे, आपको एंटरटेन करते रहेंगे बहुत, ये दिन रात चलते रहते हैं, दिन रात चलते हैं।
और लगभग सारे ट्रैक पे ही है, पूरे पे सब पे है, पूरे ट्रैक पे। और ये मुझे अभी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये आई थिंक अर्धकुआरी पे ये था या नहीं था मैंने नोटिस नहीं किया। और बाकी ये आई एम श्योर कि माता को भवन जाने के जो दो रास्ते मैंने बताए उन दोनों पे। जो मैंने दो रास्ते बताए हैं आपको, एक हाथीमत था और एक माता भवन के जाने के, हाथीमत था और आपका ये ताराकोट मार्ग, ताराकोट नया मार्ग। तो इन पे आपको गाने मिलेंगे 24 घंटे, 24 घंटे जो गाना यहाँ चल रहा है वही गाना वहाँ चल रहा होगा। तो आपको एंटरटेन का ये साधन आपके लगाया गया है श्राइन बोर्ड के थ्रू, तो आपका ये इन्जॉयमेंट होता रहे और बड़ा मज़ा आ रहा है। इसकी चढ़ाई जो है बिल्कुल भी मतलब तकलीफ के लिए, मतलब ऐसा लगेगा पैरों में कि कुछ ज़्यादा कोई बोझ है। और ये जो एक वार्म अप के बाद जो हवा चल रही है ये बहुत फील करा रही है, हवा चल रही है वो ठंडी ठंडी। इधर इस साइड खाई है ना साली, हमारे जब सुबह आए थे ना, हाँ ये हमारे पीछे आगे चल रहे थे, हम नहाने गए थे। अच्छा तो के भी आ गए, इसमें भी आगे देख ले, इसका मतलब ये अर्धकुआरी में जाएंगे, अब जाएंगे हाँ ये होकर आ गए, अच्छी टाइमिंग है। अब ठंडी ठंडी हवा चालू हो गई है, हवा चल रही चालू है, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड का जो एरिया है पूरा वो पूरा पहाड़ों पर है। हम नॉर्मली पहाड़ के साइड में ही चल रहे हैं, जो सेफ कस्टडी के पर्पज से ग्रिल लगाई गई है ताकि श्रद्धालु जो है सेफ रहे। तो मैं बहुत थक गया हूँ बोलते बोलते, अब साहिल बोलेगा। अब ये कुछ देर बाद हमें जैकेट वगैरह निकालनी पड़ जाएगी, बिल्कुल होपफुली यहाँ तो नहीं, थोड़ी देर बाद भवन पे शायद निकालनी पड़ जाए, टाइम ज़्यादा हो जाएगा ना, रात हो जाएगी जब। और भवन पर हम कोशिश करेंगे कि जो हमने ड्रेस जो है वो जो हमने सिलेक्ट किया है आई मीन दर्शन करते समय पहनने के लिए बढ़िया लगे, तो हम वही ड्रेस पहनेंगे। जब हम दर्शन कर लेंगे तो यहाँ क्या चमत्कार दिखाया जा रहा है हम देख लेते हैं। कुछ चमत्कार ही नहीं, शैडो दिख गई बस, उसी को चमत्कार मान रहे हैं। क्या है भाई, अरे दोस्त मार, भाई मार क्यों रहे हो यार, कहाँ है सांप, अरे छोड़ो यार चला जाएगा, तुमसे डराओ मत, हमें तो सांप दिख नहीं रहा यार भाई, वीडियो में दिख जाए तो बता देना, सांप तो दिखा नहीं मेरे को, नहीं है मजे ले रहे हैं, होता रहता है बेवकूफ बना दिया जाता है। वो तो बेवकूफ बना के निकल लिया बहुत स्पीड में, अगर ये शेर है शेर शेर आएगा क्या यहाँ पे। और ये भाई यहाँ पर हर जगह चिल्ड एंड प्रे, क्यों बजा ले पहले ओरन, चिल्ड एंड प्योरीफाइड वाटर मिलेगा तुम्हें हर थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद। ये सारे जा रहे हैं इस टाइम, पीछे भी पूरी भीड़ है, यहाँ पे भी अब दोबारा पानी का आ गया है। उर्दू लोग आते हैं लेकिन क्या कहें, कुछ लोग एंजॉयमेंट भी ऐसा करते हैं कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या नहीं करना चाहिए ऐसा, सांप दिखा दिया है। ये इको का हवाई जहाज बनाते हुए जितने भी मेरे देखने वाले या जो भी भाई हैं वो ये बात करते हैं जल्दी आने के, जब भी यहाँ पर आए तो ये जो घोड़े खच्चर वाले या जो भी मतलब यहाँ जो बेचारे वो सेवा दे रहे हैं, हालांकि उनका भी अपना एक साधन है व्यापार का, तो उनका थोड़ा सा हेरी चढ़ाई की वीडियो ये लगभग लगभग 2-3 किलोमीटर के बाद की होगी, 1-1.5-2 उसके बाद ऐसी पूरा अंधेरा है, बस ट्रैक पर रोशनी है। है
ऐसा दिखता कुछ वैष्णो देवी की चढ़ाई। ये फाइनल रास्ता टूवर्ड्स भवन। फाइनली वेट इज ओवर एंड थकावट तो इतनी नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही इतनी। मैंने कुछ देर पहले मंदिर मैंने कुछ देर पहले साहब को बात की थी, ऑनलाइन है तभी वीडियो ऑनलाइन होगी, लाइव तो बताऊंगा। चेक पोस्ट बोरा मंदिर बेट शॉप तो भाई हम फाइनली पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी भवन, मेन मंदिर जो है। थोड़ा बहुत और आगे चलना पड़ेगा, इतना सब तो कुल 13-14 किलोमीटर की चढ़ाई कर ली हमने। ये भेट प्रसाद जो 70 रुपए है आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। भेट प्रसाद के जो कंटेंट्स होंगे वो आपको पूछना पड़ेगा या आप जैसे बोलोगे। चुन्नी ब्रेसलेट सबसे हाईएस्ट जो है 70 रुपए है भेट प्रसाद, 70 रुपए। बाकी चुन्नी 130 की है, ब्रेसलेट 20 रुपए। अगर आप चढ़ाना चाहो तो चढ़ा सकते हो। कैसा दिखता है ये मंदिर पूरा चमकता हुआ। अरे फोकस हो जा। ये है देखो भाई मंदिर, ये उसका रास्ता है जो हमें यहाँ से अब कंप्लीट करना। चलो और ये ऊपर जो है टॉप पे ऊपर साहिल कैमरा ऊपर ले जाएगा, साहिल कैमरा ऊपर ले जा और ऊपर 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 बिल्कुल ऊपर टॉप पे ये। हाँ ये आई थिंक दिख रहा होगा आपको थोड़ा कुछ, ये टावर टाइप का सा, ये रोपे वे बोलते हैं इसको। अच्छा रोपे वे, एक माध्यम है आपको भवन से भैरव बाबा जाने के लिए अगर आप जाना चाहोगे बिना किसी मेहनत के। हाँ चार्जेबल तो है लेकिन वो नहीं करना पड़ेगा, हार्ड वर्क चढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्ट सीधा बैठो और ऊपर। यहाँ पे अलग अलग भवन है स्टे करने के लिए, ये किया गया मनोकामना भवन। स्टे करने के लिए तो बहुत जगह है यहाँ पर, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली कभी भी। भीड़ देखो भाई आगे, दिखेगा तो भाई रोपवे ये डायरेक्ट शनि मंदिर जाने के ऊपर, नहीं शनि नहीं भैरव बाबा पे, भैरव बाबा पे डायरेक्ट जाता है। चलते हैं फिर आगे, आगे चलना है सीधा। चलो ये यहाँ पर सारे सो भी रहे हैं, भीड़ बहुत है भाई। टाइम 1:30।
कोशिश ये करनी है कि मैं 4 बजे से पहले रेडी होगा और तुरंत प्रसाद लेके दर्शन करने हैं। 4 बजे के बाद हम लोग कैलाश जो कि यमुना मार्ग से आया हुआ ये भाई रास्ता डायरेक्ट मंदिर तक का। ये ऊपर भैरव का जाने का है, इधर ये भैरव का जाने का, और इधर ये सीधा जाता है मंदिर को। और अभी हम जा रहे हैं स्नान के लिए, स्नान के लिए जाएंगे घर पे, उसके बाद हम लॉकर में अपना बैग वगैरह जमा करेंगे, पैसे निकालेंगे अपने खर्च के लिए जो भी हम प्रसाद वगैरह लेना, और फिर दर्शन के लिए जाएंगे। तो स्नान के लिए आगे जाना पड़ेगा। चलो यहाँ एक और चेक पोस्ट आ गया है, पुलिस का करवाते हैं चेक पोस्ट, फिर अपनी चेकिंग, फिर आगे दिखाते हैं। भाई सुबह पहले हम नहा लिए, देखो नया कुर्ता पजामा पहन के तैयार, और टाइम देखो तुम, टाइम इस टाइम हो रहा है 2:10, और ठंड हो रही है जबरदस्त, और इसमें हम नहाए ठंडे पानी में। तुम पीछे देखो बिल्कुल अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा, 2:10 हो रहा है, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बिल्कुल भवन पे, वैष्णो देवी। नहाना पड़ता है उससे पहले, नहा भी लिए हैं, नए कुर्ते पजामे भी पहन लिए, थोड़ा बहुत तो ठंड अब झेलनी पड़ेगी। अभी भैया गए हैं अंदर नहाने के लिए, पीछे आइए नहाने का सिस्टम, कोई नहीं वेट करते हैं।